इसमें वो डालना था थोड़ा बढ़ती है सामने। हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस, कैसे हैं सब लोग? मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा तो बस थम्स अप कर दो जल्दी से। यस, हेलो एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, यश, ओके, चलो आवाज क्लियर आ रहा है, मतलब वेरी गुड, थैंक यू। चलो तो आज हम लोग 11th का चैप्टर देखने वाले हैं जो कि मोशन इन प्लेन। वैसे चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही आता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस भी तब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, 12th के चैप्टर नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, अभी चलेंगे 12th के भी, ठीक है। बट बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर 11th भी लेने वाले हो क्या, तो हाँ 11th भी लेने वाले, इसलिए कुछ 11th के चैप्टर भी पैरेलली चलेंगे। चलो सिनॉप्सिस देखेंगे हम लोग थोड़ा फास्ट और फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे इस चैप्टर के। देखो सिनॉप्सिस में क्या होता है, बेसिक सी चीजें होती है, बेसिक सी चीजें मतलब नाम ही है चैप्टर का, मोशन इन प्लेन। मोशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होना विद द पीरियड ऑफ टाइम, चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम लोग कहते हैं मोशन, ठीक है। देन रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है पार्टिकल का, ठीक है। चलो देन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान देना डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल कितना चला है पार्टिकल, डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल कितना चला है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन भी मैं बता सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है ना, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, बट हां डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। क्लियर हो गया डिफरेंस आप लोगों को, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। चलो क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसके बाद, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ठीक से सुनना, अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले 2 सेकंड में 20 मीटर चला, अगले 2 सेकंड में 20 मीटर चला, ऐसे हर 2 सेकंड के इंटरवल में वो 20-20 मीटर चल रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, अगर पार्टिकल 2-2 सेकंड का इंटरवल है, कभी 20 चल रहा है, कभी 30, कभी 40, कभी 50, अनइक्वल इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों भी डेफिनेशन सही है।
चलो देन आगे बढ़ेंगे. रेक्टिलिनियर मोशन बता दिया, पाथ लेंथ. एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी आएगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा. स्केलर वेक्टर पता है आप लोगों को. सो इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इसे हम लोग कहेंगे एवरेज वेलोसिटी. देन एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? स्पीड ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ डिस्टेंस आएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. चलो ये हो गया एवरेज स्पीड. देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? एट अ पर्टिकुलर टाइम. इसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, छोटे से टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम इंटरवल में आप अगर वेलोसिटी पूछो तो आप लोग उसे कहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर? जिनको नहीं दिख रहा है रिजोल्यूशन बढ़ाओ. रिजोल्यूशन एक ऑप्शन होता है सेटिंग का. चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड अगर ले लो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है. इज दैट सिंपल? इतना सिंपल है. लॉग टेबल अलाउड नहीं है सीईटी में. ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन. अभी ग्राफ किस किस चीज के बनाए जाते हैं एक चीज बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताऊंगा. वो ट्रिक आप लोग याद रखना, ग्राफ्स वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. क्या ट्रिक है? एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीजें मेंशन रहेगी. क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है. पहले तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, या चेंज इन पोजिशन डीएक्स को भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे आता है, एंड देन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे आता है, ध्यान देना है अभी. ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, v इज इक्वल टू डीएक्स बाय डीटी. तो d बाय डीटी मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. अगर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन मतलब होता है स्लोप. क्यों सर ये चीजें बता रहे हो? देखो जब भी ग्राफ आएगा, क्वेश्चन भी अगर आता है कभी ग्राफ पर, तो ग्राफ आता है तो दो ही चीजें होती है, या तो स्लोप होगा या तो एरिया होगा. ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब क्या? डिफरेंशिएशन. और एरिया मतलब क्या? इंटीग्रेशन. चलो ये चीज क्लियर है. देन डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा. देन वेलोसिटी वीटी ग्राफ होता है. वीटी वीटी ग्राफ या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो या वीटी ग्राफ का स्लोप लो तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है. क्यों? हमें पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है? डीवी बाय डीटी होता है. यस, ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है. अच्छा सर यहां पे अगर एटी ग्राफ हो और इस ग्राफ का भी हम लोग स्लोप ले लें तो क्या मिलेगा? स्लोप मतलब होता क्या है? स्लोप मतलब होता है डीवाई बाय डीएक्स. करेक्ट. एटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या मिलेगा आपको? डीए बाय डीटी. तो ये बस टर्म याद रखना, सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आएगा. बस ये डीए बाय डीटी मतलब होता है जर्क. गाड़ी पर अगर आप बैठे हो कभी और गाड़ी का एक्सेलरेटर तुरंत से बहुत जल्दी से ऐसे घुमा दिया जाए तो एक झटका महसूस होता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम लोग कहते हैं जर्क. चलो देन ये तो डिफरेंशिएशन करते गए. एटी ग्राफ से वेलोसिटी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन करो. देन वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा, इंटीग्रेशन करो. चलो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वैसे आपका स्लोप में ही काम हो जाता है. अभी हम लोग आते हैं ग्राफ पर. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, रेस्ट पर इसका मतलब क्या? उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है. टाइम चेंज भले ही हो, पोजीशन चेंज नहीं होगा. सो दिस ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल. देन आगे बढ़ते हैं. अगर पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है मतलब पोजीशन चेंज होगा ना. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बट ऑब्जेक्ट तो मूव हो सकता है. तो उस केस के में ग्राफ XT ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन. चलो देन ये तो पॉजिटिव एक्स में मतलब क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव में मतलब पार्टिकल इधर जा रहा था. अगर पार्टिकल इधर जा रहा होता तो हम लोग वेलोसिटी निगेटिव लेते हैं, तो इस ग्राफ का स्लोप भी निगेटिव आता है. याद रखना, ग्राफ अगर ऊपर चढ़ता हुआ है तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर ग्राफ नीचे उतरता हुआ है तो स्लोप नेगेटिव.
देखो ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन मतलब क्या, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ये ग्राफ ऐसे जिगजैग जिगजैग आने लगता है। चलो देन हम लोग अभी आएंगे ऑसिलेटरी मोशन, देख लिया ये ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल स्टडी में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट होना मतलब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता है, पार्टिकल चल रहा होता है, बट वेलोसिटी ये वी और ये टी, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। देखो सिनॉप्सिस से मतलब रिविजन होगा शॉर्ट, बस आपको लग रहा होगा कि डेप्थ में, तो डेप्थ में नहीं होगा, ठीक है, डेप्थ में नहीं होगा, शॉर्ट रिविजन मिलेगा आपको बस। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वेलोसिटी मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले समझ लो यार एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। भले ही एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी पता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके यूनिट को ब्रेक करो, ब्रेक मतलब क्या होगा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, मतलब ये जो वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकेंड कितना चेंज हो रही है विद टाइम, इसे हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी पर सेकेंड कितना चेंज हो रही है उसे हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन, इसलिए उसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलो देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, मान लो आपका पार्टिकल इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये टी इक्वल्स टू जीरो पर उसकी स्पीड थी, और अगर मैं बोल दूं एक्सेलरेशन है इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इधर ही है, तो एक सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ध्यान देना, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में अगर है तो पार्टिकल का स्पीड अप होगा, स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर डिफरेंट डायरेक्शन में तो पार्टिकल का स्पीड डाउन होगा। चलो क्लियर है यहां तक, तो यहां पे क्या टी एक सेकंड में 2 से बढ़ेगा मतलब 22 मीटर पर सेकंड हुआ, देन अगले एक सेकंड में देखोगे तो 24 मीटर पर सेकंड होगा, क्लियर। चलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। निगेटिव, ये तो पॉजिटिव के लिए था ना, तो पॉजिटिव के लिए ऐसे ही स्लोप होता है, ये मैंने बताया अभी आपको। देन निगेटिव जब आता है तो निगेटिव के लिए स्लोप ऐसे होता है। देन आगे आगे बढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इस तरीके से, ये ग्राफ किस चीज का है, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, वो डब्बा याद कीजिए जो बनाया था अभी, इसका स्लोप यहां पर देखो, यहां पर देखो, हर पॉइंट पर उसका स्लोप चेंज हो रहा है यार। ग्राफ का स्लोप ग्राफ के लिए क्या होता है, टेंजेंट होता है, या टैन थीटा बोल सकते हो आप लोग, ये आप 9th-10th में पढ़े हो बेसिक्स। रेक्टिलिनियर मोशन, चलो मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मतलब क्या, अभी 2D मोशन, दो एक्सिस में पार्टिकल मूव होगा, एक्स में भी मूव हो सकता है, वाई में भी मूव होगा, दोनों में मूव होगा। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक मोशन स्ट्रेट लाइन था, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन अभी मोशन इंक्लाइंड हो सकता है, मतलब क्या एक्स और वाई दोनों एक्सिस में होगा, इसलिए दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनता है, इसलिए हम लोग मोशन इन प्लेन कहते हैं इसे। इसका एग्जांपल क्या है, सर्कुलर मोशन जो है अभी हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। एवरेज वेलोसिटी बता दिया मैंने आपको, इंस्टेंटेनियस भी बता दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, कब वैलिड है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तीन जादू इक्वेशन होते हैं चमत्कारी, कौन से, वी इज इक्वल्स टू, बताएगा कमेंट में कोई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, एंड देन थर्ड वन इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। चलो ये तीन इक्वेशन बहुत ज्यादा काम में आएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, PYQs हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। चलो क्लियर हुआ होगा तो थम्सअप करो जल्दी से। Yes, very good. Very good, very good. चलो
रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब हम लोग रिलेट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब हम रिलेट करते हैं उसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसे लिखा जाता है वी ए बी, इसका मतलब इसे रीड करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या रीड करते हैं इसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसे लिखा जाता है वी ए माइनस ऑफ वी बी, क्या लिखा जाता है इसे वी ए माइनस ऑफ वी बी। चलो देन अभी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, चलो अभी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा आप लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, अगर कोई ये आपका ऑब्जेक्ट था इसे आप u वेलोसिटी से कुछ एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किए हो ग्राउंड से, ये ग्राउंड था मेरा, चलो इसे ये ग्राउंड था मेरा, ग्राउंड से u वेलोसिटी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा ना मेरे भाई, यस यस सर, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। तो इसके पैरामीटर समझ लो, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस पर, यहां से जाकर पार्टिकल यहां गिरेगा तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं रेंज, इसे हम लोग क्या कहते हैं रेंज, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। देन जब पार्टिकल यहां से इधर जा रहा था एक पॉइंट था जहां पर उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, उसे हम लोग कहते हैं एच मैक्स, क्या कहते हैं उसे हम लोग एच मैक्स। देन यहां से लेकर पार्टिकल जब तक हवा में था उसे हम लोग कहते हैं टी टाइम ऑफ फ्लाइट, टी मतलब क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो ओके। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में ऊपर जाने के लिए एक टाइम होता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नीचे आने के लिए एक टाइम होता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों मिलाकर यह आपको मिलता है 2u sin theta by g, इसके डेरिवेशन होते हैं बट नहीं कराने अभी जरूरी नहीं है, सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin theta by g, सो टाइम ऑफ एसेंट उसके आधा u sin theta by g हो जाएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट भी उसके आधा मतलब वही u sin theta by g हो जाएगा, ये जनरल केस है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। देन वो कितना रेंज चलेगा, कितना हाइट लगेगा उसको, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, h max का फॉर्मूला होता है u square sin square theta divided by 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u square sin 2 theta divided by g, चलो क्लियर है। चलो क्लियर हुआ क्या ये चीजें। देन रेंज कहां मैक्सिमम होती है, रेंज मैक्सिमम होती है एट एंगल 45 डिग्री, वहां पे पुट करके देख लो, वैल्यूज पुट करके देखो थीटा के। एच मैक्स कहां होता है, एच मैक्स होता है 90 डिग्री पे, बट हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते उसको, क्यों पता है क्या, क्योंकि वो तो 1D मोशन हो जाएगा ना 90 डिग्री पे, हमें प्रोजेक्टाइल चाहिए। ये वही चीज है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, देन हाइट क्या होता है, देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस पे नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देन अभी हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर, समझ लीजिएगा क्या टर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कहां यूज किया जाता है। चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, मान लो मेरा पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, मेरा पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ये टॉपिक थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सर्कुलर मोशन में, इसीलिए। चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये था, यहां पर चला गया पार्टिकल तो कुछ एंगल घुमा थीटा, मान लो इसके लिए टाइम लगा टी, देन यहां से वो इधर चला गया, यहां तक गया तो भी टाइम लगा टी, और ये एंगल भी घुमा थीटा, सेम टाइम में सेम एंगल घूम रहा है, मतलब सेम टाइम में इन शॉर्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग विद अ सर्कुलर पाथ टू बी इन सर्कुलर मोशन, उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे आपके लिए एनिमेशन दिया गया है, देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
चलो क्लियर है यहां तक। आगे इसके एग्जांपल्स क्या है, मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, हाँ घड़ी का जो कांटा होता है ना सेकंड वाला कांटा वो वाला। देन आगे बढ़ेंगे, पीरियड, रेडियस, वेक्टर, एंगुलर स्पीड क्या होता है। देखो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना पार्टिकल, इसे भाई ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसे कुछ टाइम तो लग रहा है ना, इसे कुछ ना कुछ टाइम तो लग रहा है ऐसे पूरा घूमने में, उसे एक सर्कल पूरा घूमने में मतलब 2π घूमने में कितना टाइम लगा उसे हम लोग कहते हैं पीरियड। देखो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस इक्वल टू 2πr। टू पाई आर मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस। 2πr मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस। एक सर्कमफेरेंस घूमने में कितना टाइम लगा उसे हम लोग कहते हैं पीरियड, उसे हम लोग क्या कहते हैं पीरियड। देन आता क्या है, रेडियस वेक्टर। देखो यहां से मान लो मेरा पार्टिकल यहां पर था तो आप क्या करोगे, ऐसे रेडियस गिनोगे इधर। देन मेरा पार्टिकल यहां पे आ गया तो आप ऐसे रेडियस गिनोगे इधर। मतलब रेडियस वेक्टर करता क्या है, बेसिकली रेडियस वेक्टर आपको पार्टिकल का पोजिशन दिखाता है। रेडियस वेक्टर क्या करता है, पार्टिकल का पोजिशन दिखाता है। चलो क्लियर है यहां तक। देन देखो क्या बोला है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। देन एंगुलर स्पीड क्या होता है, देखो सबसे पहले लीनियर में क्या होता था और एंगुलर में क्या होता है, ये चीजें एनालॉगी याद रखो, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़े हो आप लोग उस चैप्टर का ही है ये चीज, मतलब इधर से ही उधर गया था। एक्चुअली आप लोग 11th नहीं पढ़ते हो इसलिए ये चैप्टर हार्ड लगते, हालांकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, स्कोरिंग वाले भी है। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट एस होता है, वेलोसिटी वी होता है, एक्सेलरेशन ए होता है। एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है थीटा, वी वेलोसिटी हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी और ए हो जाता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें वर्ड ऐड हो जाते हैं एंगुलर, बाकी कुछ नहीं। देखो वी इज इक्वल टू क्या होता था, डीएक्स बाय डीटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। तो इधर ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डीटी, बस इतनी सी बात है। इधर एक्सेलरेशन क्या होता था, इधर एक्सेलरेशन होता था डीवी बाय डीटी, इधर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डीटी। कुछ नहीं, एनालॉगी याद कर लो ना तो बहुत इजी है। चलो देन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन इस चीज पे आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, एक्सेलरेशन के ऊपर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन मतलब क्या, अभी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब क्या, मान लो कि एक रस्सी है उसे आपने स्टोन टाई किया है, आराम से सुनना फील आएगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा। सॉरी देखो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन का मतलब, मान लो एक स्ट्रिंग था ऐसे, उसे आपने स्टोन टाई किया और उसे ऐसे गोल घुमाया आपने तो वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। करते क्या है हम लोग, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ऐसे सर्कल दिखेगा, आप स्ट्रिंग को एक स्टोन टाई किया और उसे घुमा रहे हो ऐसे, ऊपर से देखो तो ऐसे दिखेगा। करते क्या है हम लोग, उस स्टोन को आगे पुश करने का ट्राई करते हैं, आगे मतलब इस साइड पुश करने का ट्राई करते हैं हम लोग उसे, बस इस साइड पुश करने का ट्राई करते हैं, मतलब इधर हम लोग एक वेलोसिटी देते हैं उसे, ठीक है। और ये टेंजेंट दिख रहा है सर्कल को, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसे वीटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंशियल वेलोसिटी। चलो क्लियर। मुझे बताओ ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो इसके साथ साथ एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो क्लियर, ये एक चीज हो गया। देन जब आप उस स्ट्रिंग को घुमा रहे होते हो, स्ट्रिंग को बीच में हाथ लगाकर देखना, आपको एक फोर्स महसूस होगा, ऐसे लगेगा कि स्ट्रिंग में कोई ना कोई फोर्स
प्रेजेंट है, कोई ना कोई फोर्स मौजूद है। एफ इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, एम ए। तो फोर्स महसूस हो रहा है, मास तो है, तो भाई एक्सेलरेशन भी तो होगा। तो एक चीज होता है, एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर, उसे हम लोग कहते हैं एसी, या उसे ए आर भी कहा जाता है। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या इसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। चलो क्लियर है। तो सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन होते हैं, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है एटी। एस किससे रिप्लेस हो रहा था, थीटा से, वी किससे, ओमेगा से, ए किससे, अल्फा से, तो इनके रिलेशंस भी आ जाते हैं, आर आर आर, मूवी आई थी ना। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसका रिलेशन होता है आर अल्फा। तो ये एसी के फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग, जिसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे। चलो एसी के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, तीन होते हैं फॉर्मूले, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, एक होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और एक होता है वी ओमेगा। ये तीन फॉर्मूलेज होते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के। चलो उम्मीद है ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाना चाहूं तो ये एक्सेलरेशन एक इधर होता है, एक एक्सेलरेशन इधर होता है एटी, एक एक्सेलरेशन इधर होता है एसी, इन दोनों का नेट बीच में आएगा ना, इन दोनों का नेट बीच में आएगा, जिसे आप लोग कहोगे ए नेट, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। चलो ये तो वेक्टर में ही करते हैं ना हम लोग। देन दूसरी चीज, एटी जीरो हो सकता है या एटी नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। कैसे, जीरो कब होगा, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब जीरो होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये एसी कभी जीरो नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, कभी नहीं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखना मत नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि एसी के वजह से सर्कुलर मोशन होता है। एटी तो ठीक है, वो सपोर्ट में आ जाता है वीटी के वजह से, वो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ। चलो देन आता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है वो देखेंगे अभी। कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या होता है, देखो अगर ये एक स्ट्रिंग था, उसे स्टोन टाइप किया, यहां से मैं फिक्स पकड़ के रख रहा हूं उसे, ये स्टोन इधर अगर आ गया और उसको मैंने ऐसे फेंका तो ये ऐसे कोन बनाएगा आइसक्रीम के जैसा, हाँ, तो इसे हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। ये कोनिकल पेंडुलम जो है ना, इस कोनिकल पेंडुलम का कुछ टाइम पीरियड रहेगा, मतलब एक बार पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगा, उसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम कहेंगे। तो वो हो जाएगा टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, वेयर थीटा मतलब क्या, स्टार्टिंग में आप इसे कुछ एंगल रोटेट करा रहे हो और फिर घुमा रहे हो, तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा थीटा। चलो क्लियर है, बड़े आगे कोई डाउट है इसमें। मजा आया होगा तो थम्स अप करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी से। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट में रिवीजन करा दिया, अभी क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे, देखो क्या बोल रहा है। मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थोड़े आराम से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए कैसे ट्रिक्स यूज करना है, क्या करना है, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वी, एक स्टोन है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी से। अनदर स्टोन ऑफ सेम मास, दूसरा स्टोन इसका मास एम था तो दूसरा स्टोन जिसका मास एम है ये प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। 60 डिग्री मतलब ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से, सेम स्पीड वी से। ठीक है चलेगा। द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, किसका पोटेंशियल, यहां पे पढ़ो ठीक से क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आ जाए MGH तो काम बन जाएगा। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू आपको फाइंड करना है, विच विल बी MGH1 डिवाइडेड बाय MGH2, हाईएस्ट पॉइंट पे ना, मैक्सिमम हाइट पे। M1 M2 नहीं लिया क्योंकि सेम था, MG MG कैंसल, मतलब आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो मिलेगा वो जो दोनों ऑब्जेक्ट जो हाइट कवर कर रहे हैं उसी का रेशियो मिलेगा। क्लियर, देखो पहले तो ये ऐसे वर्टिकल जा रहा है ना, तो यहाँ पे थीटा हम लोग किसके साथ मेजर करते हैं, सर थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, यहाँ तो थीटा 90 डिग्री है और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा मेजर करेंगे तो 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एच मैक्स का फॉर्मूला मुझे पता है जो कि होता है, अभी लिखा था मैंने, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, हो गया करेक्ट है। देन इधर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो H1 जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। मेरे भाई U मतलब क्या, वेलोसिटी जिससे वो प्रोजेक्ट हो रहा है, V है तो ये V स्क्वेयर हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इट विल बी V स्क्वेयर अपॉन 2g। H1 आया, H2 कैसे आएगा, U स्क्वेयर मतलब ये V स्क्वेयर, V स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर 30 आएगा यहां पे, क्यों पता है, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं हम लोग, क्लियर। देन डिवाइडेड बाय 2g, मुझे बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना, 1/4, सो इट विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g। एच टू कितना आया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g, खत्म, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एच वन कितना आया था, v square by 2g आया था, और h2 कितना आया, v square by 8g आया, तो इसे सॉल्व करो, g से g कैंसिल, v square से v square कैंसिल, 2 1 2 2 4 जा 8, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो आपका आंसर आया 4, मतलब 4:1 ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया था भाई, चलो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो। बेस्ट सर, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान देना है। If a lighter body of mass m1, दो बॉडीज है, एक बॉडी है जिसका lighter, lighter मतलब कम, हमारा वो lighter नहीं भाई, lighter मतलब कम वेट वाली, and velocity v1, इसका velocity v1 था, and a heavy body of mass m2, एक m2 बॉडी है, heavy मतलब क्या, m1 का मास कम होगा भाई m2 से, ठीक है, उसका velocity v2 है, तो वो उन दोनों का क्या सेम है, उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वो बोल रहा है कि mv 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 ऑप्शंस में दिख रहा है। mv मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, अभी ध्यान दो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हार्डली 20 सेकेंड्स लगेंगे। कैसे, आप या तो इसे फॉर्मूला से जा सकते हो, पहले बता देता हूं कॉन्वेंशनल मेथड,
होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसे मैं एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, एम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो क्योंकि इसे पी लाना है आपको, तो हाफ एम वी मतलब पी होता है, यहां पे पी स्क्वायर बाय एम हो जाएगा। या तो इस फॉर्मूले से जाओ इक्वेट कर दो, या तो पी इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो उन्होंने एम वी ही दिया है। मुझे बताओ वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है वो, तो प्रेशर सॉरी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बोल सकता हूं मैं, बोल सकता हूं। और अगर इससे सॉल्व करूं तो मैं बोल सकता हूं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास m, कैसे भी करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है कैसे भी करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा है, कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, m1 का मास ज्यादा है m2 से, सॉरी m2 का मास ज्यादा है m1 से, तो m2 का मोमेंटम भी ज्यादा होगा m1 से, विच विल बी m2 v2 शुड बी ग्रेटर देन m1 v1, हो गया m2 v2 शुड बी ग्रेटर देन m1 v1, मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो क्लियर हुआ, चलो बड़े आगे देखो क्या बोल रहा है अभी इस क्वेश्चन में। अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाइट, एक बॉडी है टॉप ऑफ टावर पे, टॉप ऑफ टावर से रिलीज किया, याद रखना जब भी वर्ड आता है रिलीज ड्रॉप इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, इसका हाइट बोल रखा था एच। चलो इट टेक्स टी सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, यहां से नीचे ग्राउंड पे आने के लिए t सेकेंड्स ले रहा है, देन वो क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द बॉडी t बाय 2 सेकेंड आफ्टर रिलीज, मतलब t टाइम ले रहा है, देन आधे टाइम में वो कहां पर होगा, आधे पे होगा क्या, जिनको लगता है h बाय 2, गलत, ग्रेविटी से आ रहा है, पहले वेलोसिटी जीरो था देन वेलोसिटी बढ़ते जाता है तो टाइम भी बाद में कम कम लगता है हाइट कवर करने को, समझ में आया। चलो समझ में आया, देखो आगे बढ़ो, अभी यहां पर आपको दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में टोटल हाइट कवर कर रहा है और इसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होता है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अभी यहां पर एस मतलब पूरा हाइट, यू तो जीरो था, हाफ ए के जगह आता है जी और पूरा टाइम लगेगा, तो पूरा हाइट कितना कवर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर इतना, देन बाद में कितना हाइट कवर हो रहा है, मान लो ये हाइट कवर हो रहा है स्मॉल एच, तो स्मॉल एच इज इक्वल टू होगा यूटी प्लस हाफ ए टी बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि कितना टी बाय टू टाइम में जितना कवर करेगा तो टोटल में से ये माइनस करेंगे तो बचा हुआ हाइट मिलेगा ना ग्राउंड से, खत्म। यू जीरो एच इक्वल टू ये टी बाय टू मतलब टी बाय फोर, तो ये हो जाएगा हाफ ए के जगह जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, तो मुझे बताओ हाफ जी टी स्क्वायर मतलब क्या है, सर हाफ जी टी स्क्वायर मतलब तो एच है, मतलब इसे मैं बोल सकता हूं एच बाय फोर, वाह क्या बात है, इसका मतलब ये जो हाइट है ये एच बाय फोर कवर हुआ है, तो ये कितना बचा, ये बचा एच माइनस कैपिटल एच बाय फोर, सो इसे सॉल्व कर लो ये हो जाएगा थ्री एच बाय फोर, ये हो जाएगा थ्री एच बाय फोर, थ्री एच बाय फोर फ्रॉम ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिन्होंने जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है वेरी गुड। क्लियर हुआ, चलो बड़े आगे, हो गया भाई हो गया, ब्लॉक हो गया अकाउंट, जो ऐसे फालतू कमेंट्स करेगा वो ब्लॉक ही होगा। अरे भाई
सीटी निकालेंगे बोल रहे, थ्री कैसे आया पूछ रहे भाई, ये एच माइनस एच बाई फोर करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है। चलो बढ़ते आगे, क्या बोलता है देखो, टू ट्रेंस ईच 30 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डिरेक्शन विथ वेलोसिटीज। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दो ट्रेन है मान लो, ये एक ट्रेन है ऑपोजिट डिरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों की लेंथ सेम है, ये 30 मीटर है और एक ट्रेन इधर आ रही है, ये इधर जा रही थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये ट्रेन इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका भी लेंथ 30 मीटर है। अच्छा ट्रेन क्रॉस कब होगी, ध्यान से देखना, अभी यहां पर एक ट्रेन इधर आ रही है एक ट्रेन इधर आ रही है, ये दोनों सेम टाइम पे, इसका फेस सेम है, अभी ये यहां तक आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर ट्रेवल किया दोनों ने भी, एक ने कितना किया 30 मीटर, अभी एक क्रॉस हुई है क्या, नहीं, ये पूरा जिस ट्रेन का टेल और इस ट्रेन का टेल जब एक लाइन में आ जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन पास हो चुके हैं, और क्या निकालना है, कितना टाइम लग रहा है उसे पास होने के लिए, तो देखो कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे पता है एक ट्रेन को 30 मीटर और वापस 30 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि वो पूरा क्रॉस हो जाए, तो डिस्टेंस रहेगा 30 मीटर प्लस 30 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना रहेगा। अभी यहां पर आपको इस ट्रेन को ए बोल दो, इस ट्रेन को बी बोल दो, आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ेगा वी ए बी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, वी ए माइनस वी बी अभी सिनॉप्सिस में वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, वेलोसिटी अगर राइट में है तो प्लस, लेफ्ट में है तो माइनस, तो फाइव तो प्लस ही रहेगा राइट में, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर आ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 10 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 15, सो 60 डिवाइडेड बाय 15 योर आंसर इज 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लग रहा है उसको क्रॉस करने में, कितना टाइम लग रहा है 4 सेकेंड लग रहा है सिर्फ। चलो समझ में आया, चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। देखो क्या बोला है, अभी आराम से पढ़ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन वाला भी कॉन्सेप्ट है, वैसे हम लोग अगला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, बट फिर भी बता दूं कि कोलिजन में एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा, उसका बस अभी कॉन्सेप्ट बताता हूं ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है, अ बॉल केप्ट एट 20 मीटर हाइट फॉल्स फ्रीली। मैंने क्या बताया, दो तीन वर्ड्स याद रखो, जैसे कि ड्रॉप, रिलीज, फ्रीली फॉलिंग, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बाकी इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता है। देन अभी देखो ये कितना हाइट पर था, ये था 20 मीटर हाइट पर, 20 मीटर हाइट से ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ये यू जीरो है, वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन में एंड हिट्स द ग्राउंड, यहां से ऐसे नीचे आएगा, देखो यहां पर है ना ये, यहां से नीचे आएगा, यहां पे टकराएगा वापस ऊपर जाएगा, मतलब क्या, यहां से आएगा नीचे ऐसे टकराएगा वापस ऊपर जाएगा, तो यहां पर टकराएगा तब उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी वी। उसने क्या पूछा है फिर आगे, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.4, ई होता है वो जो कि दिया है उसने 0.4, आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड द अपवर्ड वेलोसिटी, पहले रिबाउंड में अपवर्ड वेलोसिटी, वी वेलोसिटी से टकराएगा वापस जाएगा, मान लो वी डैश से सेम नहीं रहेगा, जब ई वन होता है तभी सेम होता है, अगले चैप्टर में देखने ही वाले हम लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी और ये वी डैश, तो ये वी निकालना पड़ेगा मुझे पहले, ये वी डैश कुछ नहीं ईवी होता है, ईवी मतलब ई मतलब 0.4 और वी मतलब ये, तो ये वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप लोग, अंडर रूट 2 जीएच वाला, अंडर रूट 2 जीएच वाला, देन इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू भी 10 लेने बोल रहा है, 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 20, 20 इंटू 10 200 इंटू 2 400, 400 का रूट 20 मीटर पर सेकेंड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये 20, ये 0 और ये पॉइंट कैंसल, 4 टू 8 मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ये तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया, बच्चों को कंफ्यूजन होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया है, ये इक्वेशन हमने देखा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर u का वैल्यू 0 है ना, क्योंकि फ्री फॉल केस है,
तो v square equals to क्या बचा 2as, then ये ग्रेविटी के वजह से फॉल हो रहा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो इधर तो रूट दे दूंगा, ये v चाहिए तो 2, a के जगह g आता है, और s मतलब क्या, कितना हाइट ट्रेवल किया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, कोई भी चीज अगर ड्रॉप करो h हाइट से तो कितने वेलोसिटी से वो टकराएगा, ये आप निकाल सकते हो उस हाइट पर। चलो क्लियर हुआ, चलो बड़े आगे देखो क्या बोल रहा है अभी। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, इन मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। मतलब क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पॉइंट से ऑपोजिट पॉइंट पर जा रहा है, मतलब मान लो यहां पर था, यहां से वो यहां पर चला गया ऑपोजिट पॉइंट पर, यहां पर उसके पास वेलोसिटी होगा v, उसका मास m है, और इधर वेलोसिटी होगा v, वेयर मास इधर भी m ही है, मास चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शंस में चार ऑप्शन है, चार में से दो ऑप्शन बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज और दो बोल रहे हैं मोमेंटम चेंज। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से वो चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जिसमें बोला है वो ऑप्शन कट कर दीजिएगा। देन बचा क्या, मोमेंटम बचा। अभी मोमेंटम कितना चेंज होता है ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मेरा पोजीशन वन, ये मेरा पोजीशन टू, आप ये रिवर्स भी कर सकते हो तो आपको वो साइन माइनस में मिलेगा, चेंज तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है। डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। अभी मुझे बताओ वेलोसिटी के लिए साइन कन्वेंशन और एक ध्यान रखो, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो निगेटिव। पी टू मतलब यहां पर मोमेंटम कितना एम वी, माइनस पी वन यहां पर मोमेंटम कितना माइनस एम वी, वेलोसिटी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू एम वी। मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, टू एम वी इतना चेंज आएगा, टू एम वी इतना चेंज आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो समझ में आया, समझ में आया ये क्वेश्चन, बढ़ो आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, क्या बोला इस क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, रॉन्ग गलत। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, भले ही टाइम कम लगता है बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ही अच्छे से सॉल्व होता है। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाना प्रेफर कीजिएगा, मतलब जितने ऑप्शन जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर दो उतना अच्छा रहेगा। देखो अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड, मतलब बॉडी का वेलोसिटी कभी जीरो है और वो फिर भी एक्सेलरेट कर सकता है, यस कर सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, तो 0.0 वेलोसिटी है और अगर आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हो तभी तो बॉडी चलेगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट हमें रॉन्ग चाहिए। देन अ बॉडी कैन हैव कॉन्स्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव अ वेरिंग वेलोसिटी, एक बॉडी जिसके पास स्पीड कॉन्स्टेंट है बट वेलोसिटी वेरिंग है, हो सकता है क्या, देखते हैं। मान लो यहां पर है पॉइंट, यहां पर उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, देन इधर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, फिर भी उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब उसका वेलोसिटी सेम है क्या, अलग अलग है, अलग अलग है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, स्पीड सेम बोल सकते हो, तो स्पीड सेम और वेलोसिटी वेरिंग हो सकता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर नहीं है हमारा। अ बॉडी कैन हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, मतलब एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट केस पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए हमारा ऑप्शन सही है, यही खासियत है एग्जाम की, गलत स्टेटमेंट निकालने पर भी आपको मार्क्स मिल रहे। देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, हाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तब भी। चलो क्लियर हुआ क्या ये चीज, चलो ये चीज क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार बच्चे, जल्दी से लाइक करो वीडियो को।
लाइक करो वीडियो को जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो। लगभग हमने आज 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इसी चैप्टर के। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो यार, नहीं तो रुकेंगे हम लोग यहीं पर, मिलेंगे अगले लेक्चर में। परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, हार्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन के लिए, उसके बाद ही आपको हार्ड कैलकुलेशन जमेंगे। उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस ही ऑप्शन है। थैंक यू महेश। चलो बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर।